हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ प्लास्टिक्स। जैसे कि आज हमारा टॉपिक है शेयर स्ट्रेंथ। शेयर स्ट्रेंथ में हमारे ये सभी जो पॉइंट है ये मैं सभी क्लियर कराने वाला हूँ आप लोगों को। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए एंड शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, नंबर वन है हमारा डेफिनेशन, उसके बाद सिग्निफिकेंस, उसके बाद स्टैंडर्ड कंडीशनिंग, इक्विपमेंट्स, डायग्राम, फार्मूला एंड फैक्टर इफेक्टिंग। ये सभी मैं आपको इस वीडियो में पॉइंट क्लियर कराने वाला हूँ, तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें जिससे हमें मोटिवेशनल मिले और आपको भी इस वीडियो की भी फुल डिटेल में जानकारी मिले कि इस वीडियो में आखिर है क्या। इसकी फर्स्ट है डेफिनेशन। इट इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू विथस्टैंड मैक्सिमम लोड रिक्वायर्ड टू शियर द स्पेसिमेन सो दैट मूविंग पोर्शन कंप्लीटली क्लियर्स द स्टेशनरी पोर्शन। इसमें क्या होता है कि जब हमारा शेयर स्ट्रेंथ करेंगे तो उसमें एक हमारा जो शेयर जो हमारा प्लेटन होगी, जो हमारा एक मूविंग प्लेटन होगी और एक फिक्स प्लेटन होगी, उसमें हम मूविंग प्लेटन से लेकर के फिक्स प्लेटन के बीच में हम सैंपल को एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के बाद ऊपर की साइड से यानी टॉप टॉप से उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे। एक साइड से एक मूव करेगा, एक पोर्शन मूव करेगा जिससे दोनों साइड फोर्स जनरेट होगा, यानी सेम टू फ्रिक्शन। जैसे फ्रिक्शन ज़मीन किसी सतह पे आगे पीछे करते हैं वैसे ही इस पे करते हैं, लेकिन फ्रिक्शन में हमारा दोनों बॉडी मूव होता है और इसमें हमारा सिंगल वन साइड बॉडी मूव होगा। द मैक्सिमम लोड एट विच स्पेसिमेन हैज शेयर्ड इज डिवाइडेड द शेयर एरिया। जो हमारा मैक्सिमम लोड करें उस पर जैसे ही लोड करते जाएंगे वो उस पर स्पेसिमेन पे चेंजेस लाता जाएगा। जैसे ही वो डिफॉर्मेशन होगा, टूट यानी ब्रेकेज से या फिर खिंचाव से जो उसका डिफॉर्मेशन होगा, डिफॉर्मेशन होने से पहले वो कितना लोड हो रहा है वहाँ से लेकर के और कितना हो चुका है उसके बीच में, उसी को बोलते हैं शियर स्ट्रेंथ। इसका जो यूनिट होता है वो मेगा पास्कल होता है, MPa। जैसे कि अभी मैं इस इमेज में दिखा रहा हूँ आपको, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, एक अपर जो हमारा सैंपल है वो फिक्स किया है, नीचे का मूव हो रहा है, इसी डायरेक्शन में एक फिक्स है और दूसरा दूसरी डायरेक्शन में उसको हम फोर्स लगा के उसको मूव कर रहे हैं, इसी को सेम टू सेम शियर बोलते हैं। कि हमारा जो बीच से देखिएगा, जब हमने एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में जब हमने खींचा, खिंचाव दिया, तो वो क्या हुआ कि शियर हो रहा है। जैसे कि हम एक पेज को हाथ में एक हाथ से पकड़ेंगे और दूसरे हाथ से उसको मूव करके कट करेंगे, तो उसी को शियर बोलते हैं। जैसे कि नेक्स्ट है हमारा सिग्निफिकेंस। इसको करने का महत्व तो क्या है, शियर स्ट्रेंथ किस किस का करते हैं। नंबर वन हमारा, जैसे कि मैं अभी तो बता ही रहा हूँ, प्लास्टिक का होता है, वैसे ही सॉइल का भी होता है, मिट्टी का भी करते हैं, उसी तरह हम कंक्रीट का भी करते हैं, सीमेंट का भी करते हैं, और हमारा जैसे ये मेटल के पार्ट्स होते हैं उसका भी शियर स्ट्रेंथ करते हैं, लेकिन सभी का ASTM D नंबर चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही टेस्ट करेंगे और उसका ASTM D नंबर चेंज हो जाएगा। मैं सभी का ASTM D नंबर लास्ट में बताऊंगा, अभी मैं प्लास्टिक के बारे में बता रहा हूं, तो अभी ये टॉपिक कंटिन्यू रखते हैं। शियर टेस्ट डाटा ऑफ मटेरियल इज़ यूजफुल इन डिज़ाइन टूल्स, पंचिंग डाइस फॉर प्लास्टिक शीट्स। ये जो हमारा शियर टेस्ट होता है वो हम टूल, पंचिंग और डिज़ाइनिंग के द्वारा करते हैं। जैसे हम किसी कोई प्लास्टिक उसको हम सेट कर लेंगे, उसके बाद जो हमारा मशीन है उससे हम उसको साइड से पंच करेंगे या डाइस करेंगे, वो उसमें कितना ढल रहा है उससे भी उसका सीयर टेस्ट होता है। सेम अभी मैं नेक्स्ट इमेज में बताऊंगा। सीयर स्ट्रेंथ इज़ द एबिलिटी ऑफ मटेरियल और कंपोनेंट टू रजिस्ट सीयर फोर्सेस विदाउट फेलिंग और पुट अदर वे द मैक्सिमम शियर फोर्स दैट कैन बी रिक्वायर्ड बिफोर फेलिंग। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जितना लोड लेता है, मतलब डिफॉर्मेशन होने से पहले या जो हमारा रिजल्ट है या हमारा जो फेल होने से पहले जो हमारा टेस्ट हो रहा है उसमें जो फेल्योर होने से पहले वो कितना लोड रजिस्ट कर सकता है, उसी को शियर स्ट्रेंथ या शियर फोर्सेस बोलते हैं। शियर स्ट्रेंथ को निकालने के लिए फॉर्मूला आगे मैं बताऊंगा। ये हमारा इसी तरह से टेस्ट, इसका मैथ करने का यही होता है कि किसी चीज़ को वो कितना लोड साइड से कितना लोड सह सकता है, ये सभी फाइंड आउट करने के लिए करते हैं।
जैसे कि हमारा जो स्टैंडर्ड होता है वो हमारा एचटीएमडी नंबर इसका 732 होता है, और आईएसओ नंबर 3597 और 12579 एंड 14130, ये इसके आईएसओ नंबर होते हैं। एंड कंडीशनिंग होता है इसका, टेम्परेचर 23 प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 50 प्लस माइनस 5%। ये हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है जो परसेंटेज में होती है, और डिग्री सेल्सियस में हमारा टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट है हमारा, हमारी जो स्पेसिमेन की साइज़ होती है वो 50 mm डायमीटर डिस्क होती है, जो हमारे 50 mm का डायमीटर डिस्क जो सर्कुलर होगा, और उसके मिडिल में 7x16 inches का जो होल होगा। वो हमारा होल इसलिए करते हैं कि जो हमारा टूल, जब हम उसमें टूल यूज़ करेंगे तो हमारा उसमें जो फिक्चर होता है उसमें उसको सेट करना रहता है, इसकी वजह से 7x16 का उसमें होल करते हैं। उसके बाद जो हमारा mm में, वो mm में देखेंगे तो हमारा 10.5 mm सेंटर में होल करेंगे, जो हमारा स्पेसमैन है उसके बीच में होल करेंगे। और इसकी जो एक्यूरेसी है वो हमारी 0.025 mm होनी चाहिए, जो हमारी डायमीटर जो डिस्क है उसमें जो हम होल करेंगे या आउटर डायमीटर जो भी हमारा डायमेंशन है उसका, उसकी जो एक्यूरेसी है 0.025 mm होनी ही चाहिए। यदि वो अनइवन है, यदि डायमेंशन अनइवन होगा तो हमारा रिजल्ट में फेल्योर आने के चांसेस हैं, तो इसलिए हम अपना जो परफेक्ट डायमेंशन देंगे जिससे हमारा रिजल्ट फेल ना हो, जो हमारा टेस्ट कर रहे हैं वो टेस्ट फेल ना हो। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ऊपर से हम फोर्स को अप्लाई करेंगे, साइड में जो रिटेनर लिखा हुआ है वो हमारा जो फिक्स रहेगा, जो रिटेनर है वो फिक्स रहेगा। टेस्ट स्पेसिमेन जो 3 mm दिखा रहे हैं वो हमारा टेस्ट स्पेसिमेन है सर्कुलर। उसके बाद जो इंडेंटर है, जो इंडेंटर पिन है उसके बीच में जो हमारा स्पेसिमेन है उसमें होल होगा, और होल के बीच में जो इंडेंटर लगा हुआ उसके ऊपर, ये जो ऊपर से टॉप से जो लोड लग रहा है वो उसकी बॉडी है, बॉडी के सहित वो नीचे आएगा, जो बॉडी उसकी फिक्स रहेगी और जो इंडेंटर वो मूव करेगा। अब जब हमारा इंडेंटर पर लोड लगेगा वो लोड नीचे आएगा, ये आप पिस्टन को देख रहे हैं, जैसे कि जैसे ही वो लोड लगेगा नीचे की ओर, उसी को हम सीयर स्ट्रेंथ बोलते हैं, जो हमारा सीयर स्ट्रेंथ है या सीयर टेस्ट स्ट्रेस है उसी को हम सीयर स्ट्रेंथ, कि वो डिफॉर्मेशन होने से पहले वो कितना लोड ले सकता है, हम वो इससे फाइंड आउट करते हैं, जो हमारी सर्कुलर डिस्क थी उससे। तो आइए अब मैं सिंपल डिज़ाइन में समझाता हूँ। जैसे कि वहाँ पे हमने सर्कुलर डिस्क ली थी, यहाँ पे हम रेक्टेंगुलर शेप लेंगे। रेक्टेंगुलर शेप के ऊपर से ये जो ऊपर रॉड सी रखी हुई है, इससे इसके ज़रिए हम फोर्स अप्लाई करेंगे, और दो नीचे जो हैं वो सपोर्टेंस हैं। अब ऊपर जो सपोर्टेंस है उसके साइड में जो स्पेसिमेन का रखा हुआ भाग है वो फिक्स रहेगा, उसके ऊपर से जो लोड लग रहा है उसको तोड़ने के लिए वो स्पेसिमेन कितना लोड ले सकता है उस समय, टूटने से पहले या ब्रेकेज होने से पहले या डिफॉर्मेशन होने से पहले वो कितना मैक्सिमम लोड ले सकता है, उसी को हम सीयर स्ट्रेंथ बोलते हैं। और जो सपोर्टेंस की बीच की दूरी होती है वो हमारी, उसी के अकॉर्डिंग हम स्पेसिमेन की साइज़ को हम परफेक्ट करते हैं, कि हमारा जो पंच है, जो सीयर स्ट्रेंथ का जो पंच है वो हमारा एरिया कितना है उसके अकॉर्डिंग भी करते हैं, और परफेक्ट जो हमारा सैंपल साइज़ होता है उसके अकॉर्डिंग भी करते हैं। तो आइए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स में हम कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ करते हैं मशीन के रिलेटेड, स्पेसिमेन के रिलेटेड। नंबर वन है हमारा स्पेसिमेन टेस्टिंग मशीन, जो हमारा यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है उसको यूज़ करेंगे, विद सीयर टूल्स एंड पंचिंग जिग्स ऑफ स्पेसिफाइड डायमेंशन इज एम्प्लॉयड। जो हमारा डायमेंशन सीयर टूल्स का या डाई, जो हमारा डाई है पंचिंग है उसका जो स्पेसिफाइड रहेगा वो टूल लेंगे। ए ड्रिल्ड मशीन टू ड्रिल्ड ए होल 7x16 inches, जो हमारा हमने आपको अभी बताया था 7x16 inches का हम उसके डायमीटर डिस्क के अंदर हम होल करते हैं, इन मिडिल में 10.5 mm का होल करेंगे, तो वो उसके लिए हमें ड्रिलिंग मशीन चाहिए, तो उसके लिए हम ड्रिलिंग मशीन से होल करेंगे। नेक्स्ट है हमारा दैट इज 10.5 mm, जैसे कि मैंने अभी बता दिया है, एंड एक्यूरेसी हमने ये भी आपको डिफाइन कर दिया है कि एक्यूरेसी इतनी होनी चाहिए। उसके बाद है हमारा एंड 50 mm डायमीटर डिस्क ऑफ प्लास्टिक शीट्स ऑफ
स्पेसिमेन। जैसे कि मैंने आपको स्पेसिमेन प्रिपरेशन टेक्निक में बताया होगा कि कौन कौन सी टेक्निक से यूज़ करते हैं, उसी टेक्निक से हम इसका 50 mm डायमीटर डिस्क भी प्लास्टिक सीट से भी बना सकते हैं, स्पेसिमेन इंजेक्शन मोल्डिंग से भी बना सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा 50x50 mm इज यूज सैम्पल साइज, थिकनेस ऑफ द स्पेसिमेन इज इन द रेंज ऑफ 0.125 mm टू 12.5 mm। जो हमारी स्पेसिमेन है, जो हमारी डिस्क है, उसका हम जो सैंपल का थिकनेस है 0.125 mm टू 12.5 mm होनी चाहिए। जैसे अब हम फार्मूला, नेक्स्ट टॉपिक, द फार्मूला फॉर शियर स्ट्रेंथ इज टाउ इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, वेयर एफ इज द अप्लाइड फोर्स ऑन द स्पेसिमेन एंड ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्पेसिमेन। जो हमारा डिस्क है उस पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है और कितने एरिया पे लग रहा है वो। उसके बाद एंड सेकेंड फार्मूला इज एरिया ऑफ शियर एज, जो हमारा शियर एज है उससे, सॉरी यहाँ पे ई डी जी ई है एज, सरकमफेरेंस ऑफ पंच इंटू थिकनेस ऑफ द स्पेसिमेन। जो हमारा सेकेंड फार्मूला हमारा ये रहेगा जो हमारा एज से रिलेटेड रहेगा, उसके द्वारा हम शियर का स्ट्रेंथ निकालते हैं। एंड वीडियो का लास्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग। फैक्टर अफेक्टिंग में हमारा व्हेन द टेम्परेचर इज हाई देन द शियर स्ट्रेंथ इज टू वी लो, जो हमारा जब हमारा टेम्परेचर हाई होगा तो हमारा शियर स्ट्रेंथ लो आएगी। इफ़ द शियर स्ट्रेंथ स्पेसिमेन इज नॉट एक्यूरेसी परफेक्ट एंड देन द शियर स्ट्रेंथ इज वेरी लो, जब हमारी जो शियर स्ट्रेंथ है उसकी जो स्पेसिमेन की साइज है परफेक्ट नहीं होगी, उसकी वजह से भी उसका वेरिएशन आएगा, उसका रिजल्ट लो आएगा। शियर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि मटेरियल हमारा कैसा है। व्हेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग स्पेसिमेन इज हाई एंड देन द शियर स्ट्रेंथ इज वेरी लो बिकॉज द मटेरियल इज डिग्रेड, जब हमारा सीट है या स्पेसिमेन का प्रोसेसिंग होगा तो उस समय हमारा यदि बैरल का टेम्परेचर हाई होगा जिससे वजह से मटेरियल डिग्रेड हो जाएगा, उसकी वजह से भी हमारा जो रिजल्ट है उसमें हमारा वेरिएशन आएगा, यानी रिजल्ट हमारा लो होगा। जैसे कि मैंने आपको पिछले में बताया था कि सॉइल टेस्ट जो शियर स्ट्रेंथ होता है उसका जो एस्टीमेटेड नंबर होता है वो 3080 होता है, 3080 होता है। तो गाइस हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें जिससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे और आपके लिए ऐसे ही हम अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे।